Hello dear students of grade 4, we will start chapter number 7, Keeping Safe today. What do you see in the picture? Put a tick for the right action. So in the first picture, some children are playing at the road, which is not a right action. So you will put a cross here. In the next picture, ek bachcha apna sar aur haath gaadi mein se bahar nikal raha hai. And this is not a right action. So you will put a cross here. In the next picture, some children are crossing the road using zebra crossing, which is a right action. So you will put a tick here. In the next picture, a child is running on the road, which is also not a right action. So you will put a cross here. The first thing that we are concerned is our safety and the safety of people around us. Accidents happen due to carelessness. It is important to follow safety rules, not only outside the home, but also at home. सो हमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो केयरलेसनेस से होते हैं और हमें सेफ्टी रूल्स घर के बाहर ही नहीं घर के अंदर भी फॉलो करने चाहिए. एट होम यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट होम. सो आप सोच रहे होंगे कि घर पे एक्सीडेंट्स कैसे हो सकते हैं. यू कुड स्लिप ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स, यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यू कैन गेट बर्न्स एंड और यू कैन गेट इंसेक्ट बाइट्स. सो आप फ्लोर और स्टेयर पे स्लिप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बर्न्स हो सकते हैं और इंसेक्ट भी बाइट कर सकते हैं. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस. सो हम इन सब से खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. देयर आर सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन और आउटसाइड होम टू बी सेफ. सो यहाँ पे ना कोई सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए घर के अंदर भी और घर के बाहर भी सेफ रहने के लिए. सेफ्टी इन द बाथरूम. कीप द बाथरूम एरिया क्लीन एंड ड्राई. बाथरूम एरिया को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. आफ्टर यूजिंग द बाथरूम प्लेस द सोप बार इन अ सोप डिश. सोप को यूज़ करने के बाद सोप डिश में रखना चाहिए. वाइप द एक्स्ट्रा वाटर ऑन द फ्लोर विद द वाइपर. सो एक्स्ट्रा वाटर को वाइपर की हेल्प से वाइप करना चाहिए. डू नॉट टच स्विचेस विद वेट हैंड्स, यू मे गेट द एन इलेक्ट्रिक शॉक. सो अगर आप स्विचेस को वेट हैंड से टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए उनको नहीं टच करना चाहिए. ऑलवेज कीप द टॉयलेट सीट क्लीन एंड डू नॉट स्टैंड ऑन इट. सो टॉयलेट सीट को हमेशा क्लीन करना चाहिए और उसके ऊपर स्टैंड नहीं करना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए. सेफ्टी इन द किचन. डू नॉट एंटर द किचन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन. सो अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना किचन में नहीं जाना चाहिए. नेवर प्ले विद द गैस सिलेंडर और स्टोव. सो गैस सिलेंडर और स्टोव से कभी भी खेलना नहीं चाहिए. इफ़ यू स्मेल अ गैस लीकेज इमीडिएटली आस्क योर पेरेंट्स टू टर्न ऑफ द नॉब. अगर आपको गैस की स्मेल आए तो हमेशा अपने पेरेंट्स को पूछो कि गैस नॉब ऑफ है या फिर नहीं. ओपन ऑल द विंडोज एंड द डोर्स. और सारी विंडोज़ और डोर्स को ओपन कर देना चाहिए. नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस एट द टाइम ऑफ अ गैस लीकेज. सो अगर गैस लीकेज हुआ हो तो इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए. कीप द किचन एरिया क्लीन एंड ड्राई. किचन एरिया को भी क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. आस्क योर पेरेंट्स टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो किचन में रेगुलर बेसिस पे इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे करनी चाहिए. सेफ्टी ऑन स्टेयर्स. इट इज़ क्वाइट कॉमन टू स्लिप ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स. सो फ्लोर और स्टेयर पे स्लिप होना एक बहुत कॉमन बात है. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग द स्टेयर्स. सो स्टेयर यूज़ करते समय ये वाले पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट स्पिल वाटर ऑन स्टेयर्स, कीप देम ड्राई. सो स्टेयर्स पे वाटर को स्पिल नहीं करना चाहिए, उनको ड्राई रखना चाहिए. होल्ड द बैनिस्टर विद वन हैंड वाइल यूजिंग स्टेयर्स. सो स्टेयर्स को यूज़ करते समय ये जो बैनिस्टर होता है इस पे अपना एक हाथ रखना चाहिए. नेवर रन और प्ले ऑन द स्टेयर्स और ऑन द ग्रिल. कभी भी स्टेयर्स और ग्रिल पे प्ले नहीं करना चाहिए. नेवर लीव टॉयज ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे कभी भी अपने टॉयज नहीं छोड़ने चाहिए. सेफ्टी वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैव सर्टेनली मेड आवर लाइफ ईजी, बट दे शुड बी यूज वेरी सेफली. सो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज ने हमारी लाइफ को ईजी कर दिया है, बट फिर भी उनको सेफली यूज़ करना चाहिए. डू नॉट टच स्विचेज और एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस विद वेट हैंड्स. सो वेट हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस और स्विचेज को टच नहीं करना चाहिए. Never touch any wire in your home or outside. अपने घर में और घर के बाहर कभी भी कोई वायर को टच नहीं करना चाहिए. Do not get too close to the heater, table fan, cooler, mixer, etc. when they are on. So जब भी एक हीटर, टेबल फैन, कूलर और मिक्सर ऑन हो तो उनके पास नहीं जाना चाहिए. If someone gets a shock,
डू नॉट टच देम डायरेक्टली और विद एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट. अगर किसी को शॉक लगा हुआ हो तो उनको डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए और ना ही मेटालिक ऑब्जेक्ट से टच करना चाहिए. इमिडिएटली आस्क एनी एल्डर पर्सन टू टर्न ऑफ द मेन स्विच. और तभी एक एल्डर पर्सन को मेन स्विच को ऑफ करने के लिए कहना चाहिए. सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. सो फेस्टिवल्स में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस. सो फेस्टिवल सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस के लिए टाइम होता है. आर लिटिल केयरलेसनेस कैन रूइन ऑल दिस. अगर हम केयरलेस हो जाएंगे तो फेस्टिवल्स का भी सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी. ऑलवेज सेलिब्रेट फेस्टिवल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर्स. सो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए अपने पेरेंट्स और एल्डर्स के सुपरविजन में ही रहना चाहिए. डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स एज दे कैन ईजली कैच फायर. सो हमेशा सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए फेस्टिवल्स पे, क्योंकि वो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं. डू नॉट गो टू क्लोज टू एनी क्रैकर. किसी भी क्रैकर के ज़्यादा नज़दीक क्लोज नहीं जाना चाहिए. डू नॉट टच योर आइज विद द सेम हैंड्स आफ्टर यूजिंग क्रैकर्स. सो क्रैकर्स यूज़ करने के बाद पहले हाथों को वॉश करना चाहिए, उसके बाद अपनी आईज को टच कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स विद एन एंटीसेप्टिक लोशन सॉल्यूशन बिफोर ईटिंग फूड. और फूड को खाने से पहले अपने हाथों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए. डू नॉट यूज सिंथेटिक कलर्स, यूज़ नेचुरल कलर्स. सो जैसे हम होली पे यूज़ करते हैं कलर्स, वो नेचुरल कलर्स यूज़ करने चाहिए, सिंथेटिक कलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए. नेवर थ्रो कलर्स और बैलून्स ऑन एनीवन, इट कैन हर्ट देम. किसी पे भी कलर्स और बैलून्स नहीं फेंकने चाहिए, ये उनको हर्ट कर सकता है. आउटसाइड होम. अब घर के बाहर सेफ कैसे रह सकते हो. सेफ्टी एट स्कूल. टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन डिसिप्लिन इन देयर स्कूल, बट एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ चिल्ड्रन डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. सो टीचर्स ने डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ रूल बनाए होते हैं और चिल्ड्रन को सेफ रहने के लिए उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नेवर रन ऑन द स्टेयर्स और पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स. सो स्टेयर्स पे कभी भी भागना नहीं चाहिए और किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट थ्रो थिंग्स एट एनीवन. किसी पे भी कोई भी चीज़ नहीं थ्रो करनी चाहिए. डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क्स और चेयर्स. डेस्क और चेयर पे क्लाइंब नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड नेवर पुश और हिट वन अनदर. हमेशा एक क्यू प्रॉपर लाइन में जाना चाहिए और किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड. अ प्लेग्राउंड इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गो फॉर एंजॉयमेंट, बट इफ यू डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स देयर, इट कैन कॉज डिसकम्फर्ट टू यू और योर फ्रेंड्स. डू नॉट चीट वाइल प्लेइंग गेम्स, ऑलवेज फॉलो द सेट रूल्स. सो प्लेग्राउंड पे आप एंजॉयमेंट के लिए जाते हो, अगर आपने सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए अनसेफ हो सकता है. तो आप अगर प्लेग्राउंड में गेम्स खेलते हो तो ऑलवेज रूल्स को फॉलो करो. वेट फॉर योर टर्न एट द राइड और अ स्विंग. सो कभी भी स्विंग के लिए, स्विंग की राइड के लिए अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. नेवर पुश एनीवन स्पेशली वाइल रनिंग. सो कभी भी किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप रनिंग कर रहे हो. सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल. यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर. सो अगर आप एक्सपर्ट स्विमर नहीं हो, मतलब कि आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आपको स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ये वाली. ऑलवेज स्विम अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट. हमेशा किसी अडल्ट की सुपरविजन में ही स्विम करना चाहिए. इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम और डिस्कम्फर्ट वाइल स्विमिंग, इमिडिएटली सिग्नल समवन अराउंड. अगर स्विमिंग करते समय आपको कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आए या डिस्कम्फर्ट आए तो किसी को भी सिग्नल करके बताना चाहिए. नेवर पुश एनीवन इनटू वाटर. कभी भी किसी को भी स्विमिंग पूल में पुश नहीं करना चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड. रोड्स आर टर्निंग आउट टू बी द मोस्ट अनसेफ प्लेसेस नाउअडेज. सो रोड्स आजकल में सबसे ज़्यादा अनसेफ जगह है. वी कैन नॉट पुट ऑल द ब्लेम ऑन द ट्रैफिक पुलिस. सो ट्रैफिक पुलिस को हम अनसेफ रहने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते. We are ourselves responsible for our safety on the roads. हम खुद अपनी सेफ्टी के लिए responsible होते हैं.
ओनली केयरलेसनेस ऑन द रोड्स कॉज एक्सीडेंट्स. सो रोड्स पे एक्सीडेंट्स का मेन कॉज क्या होता है? केयरलेसनेस. टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स यू शुड ऑलवेज फॉलो रूल्स. सो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. सो हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. डू नॉट यूज फोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. ऑल्सो डू नॉट लेट योर पेरेंट्स यूज द फोन वाइल ड्राइविंग. सो अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हो तो आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए. और अगर आपके पेरेंट्स ड्राइविंग करते समय फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उन्हें भी रोकना चाहिए. डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड. रोड पे गेम्स कभी भी नहीं खेलने चाहिए. डू नॉट पुट ऑन योर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. सो रोड पे वॉक करते समय हेडफोन्स कभी भी नहीं डालने चाहिए. ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग वाइल राइडिंग अ बाइसिकल बाइक और स्कूटर. सो बाइसिकल बाइक और स्कूटर को राइड करते समय हेलमेट डालना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस द रोड यूजिंग सबवेज फुट ओवर ब्रिजेस और ज़ेब्रा क्रॉसिंग. सो रोड को क्रॉस करने के लिए सबवेज फुट ओवर ब्रिजेस और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए. फर्स्ट लुक टू योर राइट साइड देन टू योर लेफ्ट साइड एंड देन अगेन टू द राइट साइड एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स. सो रोड क्रॉस करने से पहले अपनी राइट साइड को देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड को और फिर दोबारा से राइट साइड को. और अगर ट्रैफिक रुक गया हो तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए. चेक पॉइंट. रीड द स्टेटमेंट्स मेड बाय ईच चाइल्ड. अब इन चाइल्ड ने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बनाई है, उस स्टेटमेंट को आपको रीड करना है. राइट एच इफ द स्टेटमेंट बीइंग मेड हैज़ हार्मफुल रिजल्ट्स एंड एस इफ द स्टेटमेंट बीइंग मेड हैज़ सेफ रिजल्ट्स. और अगर तो वो स्टेटमेंट हार्मफुल है तो आपको एच लिखना है, अगर वो स्टेटमेंट सेफ है तो आपको एस लिखना है. सो लेट्स रीड. फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी शुड कीप द बाथरूम एरिया क्लीन एंड ड्राई. सो ये स्टेटमेंट सेफ है. वी शुड प्ले विद द गैस सिलेंडर. ये स्टेटमेंट हार्मफुल है, हमें कभी भी गैस सिलेंडर से नहीं खेलना चाहिए. प्ले गेम्स एट द प्ले ग्राउंड एंड नेवर ऑन द रोड. सो ये स्टेटमेंट भी सेफ है. Always wear a helmet while riding a bicycle or a scooter. ये स्टेटमेंट भी सेफ है. We should use synthetic colors on festivals. ये स्टेटमेंट हार्मफुल है क्योंकि हमें कभी भी सिंथेटिक कलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, हमें ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करने चाहिए. We should touch the wires at home. ये स्टेटमेंट भी हार्मफुल है, हमें कभी भी वायर्स को नहीं टच करना चाहिए. Never run on the stairs. ये स्टेटमेंट सेफ है. Tick the correct answer. Always cross the road at subways, foot over bridges, zebra crossing or all of these. So answer is all of these. क्योंकि हमें road को cross करने के लिए हम subways, foot over bridges और zebra crossing सभी को use कर सकते हैं. So you will write all of these. Never touch an electric appliance with dash hands. So electric appliance को कौन से हाथों से नहीं touch करना चाहिए? Wet hands से, गीले हाथों से नहीं touch करना चाहिए. You should dash push others or run on the stairs. So you should never push others or run on the stairs. हमें कभी भी किसी को भी push नहीं करना चाहिए और stairs पे भागना नहीं चाहिए. So you will write never. In the swimming pool, as a safety measure, you can use a or an. So आप क्या use कर सकते हो swimming pool में? Swimming tube. आप tube use कर सकते हो इस अगर आप expert swimmer नहीं हो जहाँ फिर आपको swimming नहीं आती. On getting burns, wash the area with dash water. अगर आपको कोई burn हो जाए तो आपको उस एरिया को वर्न को कौन से पानी से धोना चाहिए? कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से. सो यू विल राइट कोल्ड.